हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा राजभवन में वीरवार को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 40 अध्यापकों को सम्मानित किया गया। पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक अध्यापक को एक शॉल, प्रशंसित पत्र व 21,000 रुपए की राशि दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वास्तव में अध्यापक ही राष्ट्र निर्माता होता है। हम सबों के लिए गर्व की बात है कि राज्य के श्रेष्ठ शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इससे सभी शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय संस्कृति में शिक्षकों का सदैव सम्मान किया जाता रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही गुरु का पद सर्वोच्च रहा है। गुरु स्थान भगवान से भी ऊपर बताया गया है। इतिहास साक्षी है कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व से विद्यार्थी आते थे। दो स्थान पर उदाहरण देकर मैं बताना चाहा कि दोनों स्थान नालंदा तक्षशिला में विश्व भर के जो विद्यार्थी अध्ययन करते थे वो आकर के अध्ययन के लिए आया करते थे। भारत का इतना महान इतिहास है शिक्षा के दृष्टिकोण से। भारत के संविधान का रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा के महत्व को समझा और समाज को 3 सूत्र दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को अच्छी तरह से समझा, इसीलिए उन्होंने भारत के संविधान की रचना की थी। इतना बड़ा विद्वान पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था जो भारत के संविधान को लिख सकता था, इसलिए उन्होंने 3 सूत्र दिया है। उन्होंने कहा शिक्षक बनो, शिक्षित बनो, जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त होगा तो कोई ज्ञान नहीं होगा। दूसरी बात को उन्होंने कहा संगठित रहो, जब तक संगठन के सूत्र में बंधे नहीं रहिएगा तो कोई काम आपको नहीं मिलेगा, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब क्या कि एक साथ संगठित रहने से ही भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी की लड़ाई में हम सफल हुए, इसीलिए उन्होंने कहा था संगठित रहो। संगठन में शक्ति होती है और संगठित रहने से ही सारे काम में सफलता मिलती है। ये हमारी प्राचीन अवधारणा, अध्यापक के प्रति हमारा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, पहले बलिहारी गुरु को जिस गोविंद दियो मिला। ये हमारी अवधारणा, ये हमारा मनोविज्ञान, ये हमारी श्रद्धा, ये हमारा विश्वास, और आज की पूरी दुनिया ने इस बात को साबित किया है कि यदि अध्यापक के प्रति श्रद्धा नहीं है छात्र की तो वो उससे सीख नहीं सकता। आज फिर से दुनिया हमारी इस अवधारणा पर आ रही है। पहले 11 अध्यापकों को स्टेट अवार्ड मिलता था। 96 में जब हमारे पास ये विभाग था, हमने हर सब्जेक्ट में एक अध्यापक को स्टेट अवार्ड से हम सम्मानित करेंगे। आज हम 40 अध्यापक भाई बहनों को स्टेट अवार्ड से पुरस्कृत करते हैं। महावीर गुड्डू का नाम हमने कहा कला को, संस्कृति को और भोले शंकर के गायक को यदि आज इस लिस्ट में शामिल नहीं किया तो ये लिस्ट अधूरी रहेगी। हमने आज उनको भी सम्मानित किया है। ये आज का जो दिन है, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, उनका जन्मदिन होता है, उन्होंने अपने जन्मदिन को अध्यापक दिवस के नाते मनाया।
ये जो आज प्रदेश स्तर पर आप सबको हम पुरस्कृत कर रहे हैं, आप सबका हम अभिनंदन कर रहे हैं, आपने जो विद्यालय में सेवाएं अर्पित की हैं उसके लिए, इसके साथ थोड़ा सा कर्तव्य बोध भी हमारे ऊपर आता है। हम अपने अपने कर्तव्य बोध का भी ध्यान में रखें, क्योंकि हम हिंदुस्तान के अध्यापक हैं। वी रिप्रेजेंट इंडिया, वी आर एम्बेसडर ऑफ इंडिया, वी आर एम्बेसडर ऑफ इंडियन आइडियोलॉजी। आज इस अवसर पर हमको महामहिम राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन मिलने वाला है। आज अध्यापक दिवस के ऊपर आपको अभिनंदन करते हुए बहुत आनंद हो रहा है। आपका सम्मान और बढ़े, हम सब लोग मिल करके आने वाले दिनों में अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और विस्तार दें, उसको और फैलाएं। ये दीप से दीप जलाना पड़ता है। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।